हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूजीसी नेट ने बहुत बड़ा चेंज किया है। इट्स अ बिग अपडेट, तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक उसको ध्यान से सुनिएगा कि वो अपडेट क्या है। वैसे यूजीसी नेट आजकल बहुत बड़े बड़े अपडेट ला रही है, बहुत सारे चेंजेस कर रही है, बट ये चेंज बहुत ही नया है और बहुत ही इट्स अ बिग अपडेट। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट चेयरमैन ने श्री जगदीश कुमार जी ने अनाउंस किया, अपना संडे को एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स विद 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री और 8 सेमेस्टर डिग्री कैन नाउ डायरेक्टली टेक द नेट एग्जामिनेशन। इसके पहले ये अपडेट नहीं था स्टूडेंट। इसके पहले आप जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे होते थे, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप यूजीसी नेट के लिए अपीयर होते थे, लेकिन अब इस वाले एग्जाम से उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया है और ये अपडेट दिया है कि अब जिन स्टूडेंट ने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री का कोर्स किया है और 8 सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, दे कैन नाउ डायरेक्टली टेक द नेट एग्जामिनेशन। तो इट्स अ वेरी बिग अपडेट। लेकिन स्टूडेंट, इसमें जो एक बात और कही गई है वो क्या है, देखो ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री और 8 सेमेस्टर वाली डिग्री, दिस प्रोग्राम इज़ नॉट न्यू। जब ये लाया गया था तो आपको याद होगा उस वक्त ये अपडेट नेट ने दिया था कि स्टूडेंट विद 75% एग्रीगेट मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड्स कैन नाउ डायरेक्टली परस्यू अ PhD। उस वक्त ये बात कही गई थी, कुछ तो टाइम बचेगा स्टूडेंट का, पहले वो MPhil में एनरोल कराना और MPhil के बाद फिर आप PhD दे पाते थे। तो इसमें वो अपडेट उस वक्त दिया गया था कि अगर आप 75% एग्रीगेट मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ले रहे हो और 8 सेमेस्टर वाले डिग्री ले रहे हो, तो आप डायरेक्ट PhD में जो है एंट्रेंस ले सकते हो। फिर MPhil वाला जो क्राइटेरिया था उसको ख़त्म ही कर दिया गया। लेकिन अभी आज जो अपडेट अभी हमें मिल रहा है, जो संडे को ट्वीट करके उन्होंने बोला कि अब वो जो 4 सेमेस्टर वाले, जो 8 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं या जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाले स्टूडेंट हैं, दे कैन नाउ डायरेक्टली गिव द नेट एग्जामिनेशन। तो इट्स अ बिग अपडेट। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि जब ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री आई थी, 4 ईयर्स वाली कर दी गई थी, तो उस वक्त ये कहा गया था कि देखो हर कोई ये 4 ईयर वाला नहीं कर सकता। जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, मतलब जो आप BA Part 1, Part 2 और Part 3 तक 75 एग्रीगेट मार्क्स लेके चलते हो, तभी आप ये 4 ईयर वाला जो कोर्स है वो कर सकते हो या 8 सेमेस्टर वाला कोर्स कर सकते थे। उस वक्त ये कहा गया था कि अगर आप ये 4 सेमेस्टर वाला कोर्स कर 4 ईयर वाला कोर्स करते हो बैचलर डिग्री का, तो आप डायरेक्ट PhD में एंट्रेंस ले सकते हो। लेकिन अभी जो अपडेट अभी दिया गया है, वो दिया गया है कि अभी जो आप नेट का एग्ज़ाम है वो भी आप डायरेक्ट उसमें अपीयर कर सकते हैं। तो आप लोगों में से जिन्होंने 4 ईयर वाली डिग्री ली हुई है या फिर 8 सेमेस्टर वाला कोर्स किया हुआ है, आप UGC नेट June 2024 के लिए एलिजिबल हो। तो इट्स अ बिग अपडेट। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है और देखो एक तरह से ये ठीक भी है। अभी आपके 1 साल बच जा रहे हैं अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, फिर आप UGC नेट में आ पाते थे। लेकिन अभी एक तरीके से ये बहुत ही बढ़िया किया गया है कि आपका 1 साल बच जा रहा है अगर आप 4 ईयर वाला कोर्स पहले ही करके आ जाते हो। तो 1 ईयर का ये आपके लिए बेनिफिट है ना। अदरवाइज़ हम पढ़ते पढ़ते BA करने के बाद कई स्टूडेंट तो अदर स्ट्रीम में चले जाते थे कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन कौन करेगा, फिर जाके हम नेट दे पाएंगे। तो 1 साल का आपके लिए बहुत ही बढ़िया बेनिफिट दिया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि द कैंडिडेट हैविंग पास्ड अ 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर प्रोग्राम शुड हैव अ मिनिमम 75% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड। लेकिन इसमें भी कुछ कॉन्सेशन दिया गया है, इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है 5% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड, और ये परमिशन दिया गया है SC ST OBC क्रीमी लेयर के लिए एंड डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो ये जो 5% का ग्रेस है ये आप उसमें ले सकते हो। तो स्टूडेंट देखो, मैं कहूँगी ये दिस इज़ अ वेलकम चेंज। ये बहुत ही बढ़िया अपडेट है कि आपको, आपके लिए क्या सुविधा हो जा रही है। पहले आपको क्या करना पड़ता था कि भाई आप BA करते थे, फिर आप 2 साल का MA करते थे, उसके बाद आप नेट देते थे। अभी अगर आपने 4 ईयर्स का बैचलर पहले ही कर लिया इक्विवेलेंट 75% मार्क्स के साथ, इसका मतलब है कि भाई आप कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे हो, और उसके बाद आप डायरेक्ट अगर नेट का एग्ज़ाम दे पा रहे हो, तो 1 साल तो आपके ऐसे ही बच जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है स्टूडेंट, और इसलिए मैं ये अपडेट लेकर के आई हूँ। बहुत ज़्यादा मैं इसको डिटेल नहीं जाऊँगी क्योंकि आप सभी को पता है इस बार जून 2024 का जो एग्ज़ाम है, आप
कौन कौन स्टूडेंट हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, और कोई भी अगर इस तरह की किसी भी तरीके की इससे रिलेटेड अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मैसेज बॉक्स में डालें, मैं उसका अपडेट आपको ज़रूर दूंगी। तो ये इट्स अ वेलकम चेंज एंड इट्स अ बिग अपडेट फ्रॉम UGC NET। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम स्टूडेंट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम एंड आई एम UGC NET क्वालिफाइड, JET ऑल्सो क्वालिफाइड एंड PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। My specialization is econometrics and I have published one paper on rural credit. This is my mobile number 9320634901. You can message me on this number and this is my app Shipranomics. इस ऐप को आप Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा आइकन है मेरे ऐप का। एंड स्टूडेंट, मेरे ऐप पर अभी लाइव क्लासेस चल रही है UGC NET जून 2024 के लिए, और इस पर 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ सैम्पल पेपर मैंने डाला है UGC NET जून 2024 के लिए, तो इसको आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।